Now we will take on to the functions of the Reserve Bank of India, which is most important point. Fine. First function is to issue the legal money. We have discussed in the earlier topic that the main function of Reserve Bank of India is to issue legal money in India to maintain the uniformity and to exercise the total issue of currency. ठीक है, जो भी currencies India की होती है, bank notes होते हैं, उनको ये issue करते हैं. अब इश्यू करने के कई सारे उनके क्या थे, प्रिंसिपल्स हैं. फाइन, ये कई सारे रूल्स हैं जो पहले इश्यू किया जाता था. सबसे पहला क्या था, 100% रिजर्व सिस्टम. नाउ अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ अ गोल्ड स्टैंडर्ड दिस सिस्टम वाज इन फोर्स. इन दिस सिस्टम द प्रीशियस मेटल दैट इज गोल्ड वाज केप्ट एज अ रिजर्व इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ करेंसी इश्यूड. गोल्ड का रिजर्व रखा जाता था पहले से ही, ताकि उतने की हम लोग करेंसी मार्केट में रख सकें. अभी ये सिस्टम फोर्स में नहीं है. फिर क्या आया, फिक्स्ड प्रोपोर्शनल सिस्टम. इन दिस मेथड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर केप्ट रिजर्व टू इश्यू करेंसी नोट्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड प्रोपोर्शन. अब गोल्ड की जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रिजर्व रखी जाने लगी. ठीक है, अगर जितने की करेंसी नोट्स आप इश्यू कर रहे हो, उतने की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको रखनी पड़े. सी, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम. इन दिस सिस्टम द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रीशियस मेटल इज केप्ट रिजर्व इन प्रोपोर्शन ऑफ द करेंसी नोट्स fine to be issued. The system is effect in the USA and Australia. Precious metal kuch bhi ho sakta hai, gold ho sakta hai, platinum ho sakta hai, silver ho sakta hai. Theek hai. D, minimum reserve system. In India at present this system is issued to issue legal money. According to the section 22 of the act of the RBI, it is compulsory to keep gold or foreign exchange as a reserve to issue the currency notes. यानी कि इंडिया में जितनी करेंसी नोट इश्यू करनी है, उतने का गोल्ड या तो फॉरेन एक्सचेंज आपको अपने पास रखना पड़े, गवर्नमेंट के पास रखना पड़े. ठीक है, फिर उसकी वो नोट्स बना के भेज सकते हैं मार्केट में. सेकंड क्या है फंक्शन, द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस. रिजर्व बैंक एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस एंड फैसिलिटेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेंबर बैंक एंड देयर इंटरनल एक्सचेंजेस. हम बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई हमारे बैंक में ट्रांसफर करता है, हम चेक लिखते हैं सामने वाले के अकाउंट में पैसे डालने के लिए, या कोई हमको चेक लिखता है ताकि हम अपने अकाउंट में जमा कर सकें, तो ये जो चेक के थ्रू या तो डायरेक्ट ऑनलाइन बैंक हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये क्लियर आरबीआई करती. ठीक है, ये आरबीआई उसको क्लियर करती, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना है तो उसका क्लियरिंग हाउस आरबीआई है, वही अप्रूव करती है, बैंक नहीं. थर्ड क्या है, द बैंकर ऑफ द ऑल बैंक्स. ठीक है, आरबीआई को बैंकर ऑफ द बैंक कहा गया है. इन इंडिया टोटल मनी इज मेड ऑफ लीगल मनी प्लस बैंक मनी. विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक मनी इन टोटल मनी हैज एक्सीडेड. इन दिस सर्कमस्टेंसेस द टास्क ऑफ आरबीआई, ठीक है, इज टू सी दैट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन आरबीआई रिमेन्स इंटैक्ट. इन इंडिया द आरबीआई परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एपेक्स बैंक और द बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक. ठीक है, सभी बैंकों को कंट्रोल जो है वो आरबीआई के पास है, इसलिए आरबीआई को क्या है, बैंकर्स ऑफ द ऑल बैंक कहा जाता है. ठीक है, हर एक बैंक के पास सफिशियंट अमाउंट में पैसे डिपॉजिट हो और वो सारे बैंकिंग फंक्शन कर सके, ये चेक करना, ये देखना, ये आरबीआई का काम है. फोर्थ पॉइंट इन द नेक्स्ट पेज, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की भी बैंकर है. ठीक है, इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर, इंडिया में आरबीआई है. पहला क्या है, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स आर डिपॉजिटेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द फाइनेंशियल पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर मेड बाय द आरबीआई. गवर्नमेंट को किसी को भी कंट्री को या किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो आरबीआई थ्रू होता है. इट मैनेज एंड एडमिनिस्टर द लोन्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी लोन इश्यू किए हैं उसको मैनेज और एडमिनिस्टर करना भी आरबीआई का काम है. इट लैंड शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू द गवर्नमेंट. It tries to satisfy the financial necessities of the government by buying and selling treasury bills. तो government की companies जो T-bills issue करती है उसको buying and selling RBI करती है. It gives overdraft facilities to the government whenever necessary. तो overdraft की facility government को provide करने का काम भी RBI करती है. It sells or buy foreign exchange on behalf of government. It also helps the government as an advisor in economic financial matters. ठीक है, फिफ्थ क्या है, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन की करेंसीज को स्टेबिलिटी रखना, मैनेज करना, ठीक है, मेंटेन रखना, ये क्या है, आरबीआई का काम है. देखो कभी कभी क्या होता है कि रुपीज कम वीक हो जाता है डॉलर के अगेंस्ट में, यानी कि
$1 का ज्यादा रुपीस पे करना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है, काफी लोग डॉलर्स की डिमांड करते हैं। और ऑन दी अदर साइड जब कंट्री ग्रो कर रही होती है तो एक रुपीस के बदले में डॉलर ज्यादा हमको चाहिए होता है, यानी कि रुपीस की वैल्यू बढ़ जाती है। रुपीस की वैल्यू बढ़ना यानी कि $1 के लिए हमको कम रुपए देने के, ठीक है, और रुपीस की वैल्यू डिक्रीज होना यानी कि $1 के बदले में हमको ज्यादा रुपए देने के। तो ये जो डॉलर यानी फॉरेन करेंसीज वर्सेस इंडियन करेंसीज के बीच में जो मैच मेकिंग करना है, बैलेंस बना के रखना है, वो आरबीआई का काम है, ठीक है। रिजर्व बैंक सेकेंड पैराग्राफ में दिया, रिजर्व बैंक सीज दैट इट डज नॉट फेस एनी मेजर इंस्टेबिलिटी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ एनी कंट्री इंक्रीजेस मच, द रिजर्व बैंक सेल्स द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। इन द सेम वे इफ द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, डिक्रीज रैपिडली, द रिजर्व बैंक बाय द करेंसी ऑफ दैट कंट्री टू स्टॉप डिक्रीजिंग फर्दर। यानी कि इंडिया की करेंसी जब क्या होती है, वीक हो रही होती है, ठीक है, तब क्या करते हैं वो लोग, जो इंडिया की करेंसी वीक हो रही होती है उसको ज्यादा परचेज कर लेते हैं ताकि फिर से वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। अगर डॉलर की शॉर्टेज ज्यादा हो रही है, लोग डॉलर ज्यादा कर रहे हैं, तो आरबीआई क्या करती है, डॉलर को परचेज करके डॉलर को सफिशियंटली अवेलेबल करवा देती है ताकि उसकी डिमांड फिर डिक्रीज हो जाए। सिक्स्थ वन क्या है, एडवांसेस टू एग्रीकल्चर। तो आरबीआई का मेजर फोकस वो एग्रीकल्चरल को एडवांस भी देना है, लोन प्रोवाइड करना है, मेजर फोकस वही है कि एग्रीकल्चर, अपना इंडिया एग्रीकल्चरल नेशन है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को या उससे अलाइड एसोसिएटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उसको लोन आसानी से मिलना चाहिए, उसके लिए नाबार्ड भी ये क्रिएट किया गया है, ठीक है, जो नया थर्ड पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। द ड्यूटीज विच वेयर परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई अर्लियर फॉर द रूरल एडवांसेस आर नाउ परफॉर्म बाय नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये स्पेशली एग्रीकल्चरल में एडवांसेस या रूरल एरिया में एडवांसेस लोन देने के लिए इंस्टीट्यूट किया गया है इसको, ठीक है। देन नाबार्ड हैज बीन एस्टेब्लिश इन 1982 एंड एआरडीसी विच हैड बीन सेट अप टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एडवांसेस, ठीक है। अब सातवां क्या है, इंडस्ट्रियल एडवांसेस। तो आरबीआई ने कई सारे क्या है इंडस्ट्रियल एडवांसेस के लिए भी इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टू सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ एडवांसेस फॉर इंडस्ट्रीज, द रिजर्व बैंक टुक डायरेक्ट इनिशिएटिव इन सेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएफसी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको आईडीबीआई बोलते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अभी ये एक्सिस बैंक हो गया है, ठीक है, यूटीआई हट गया है, आईसीआईसीआई सब लोग जानते हैं ये बैंक, ठीक है, पर्टिकुलरली आईडीबीआई एंड यूटीआई, यूटीआई ये ओल्ड नाम है एक्सिस बैंक का, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड रिमार्केबली इन मेकिंग द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड वेराइटी एंड ऑल्सो इन डेवलपिंग इट। इंडस्ट्री में लोन लेना हो, कंपनीज को लोन लेना हो, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन बनाई हुई है। एट्थ वन क्या है, एडवांसेस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज है उसके लोन लेने के लिए उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। इन 1970 द रिजर्व बैंक हैज इंप्लीमेंटेड क्रेडिट गारंटी स्कीम विच गिव्स अ गारंटी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड एडवांसेस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो उसके लिए सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जो है ये इंस्टीट्यूट है जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज जो रहती है जिनका टर्नओवर लेस देन करोड़ या लेस देन 10, 50, 25 करोड़ होता है, उनको ये एडवांसेस दी जाती है सिडबी के थ्रू। इसके लिए आपके पास सिर्फ एमएसएमई का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाइन्थ फंक्शन क्या है, टू एक्सेलरेट दी मनी मार्केट। मनी मार्केट को एक्सेलरेट करना, तो मनी मार्केट हम लोग पिछले एक सेक्शन में ही जान चुके हैं कि शॉर्ट टर्म लोन जो रहती है, शॉर्ट टर्म एक लेस देन वन पीरियड की लोन, वो मनी मार्केट में आती है। उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, जो टी बिल्स थे वो सब मनी मार्केट में आते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग यही करती है, ठीक है। बिल बाजार प्लान है, देन एक्सपोर्ट बिल मार्केट। Now, since 1963, export bill plan has been introduced and re-advance are provided to bank under bills and promissory notes to be paid in foreign currency or Indian currency. Promissory notes bhi RBI provide karti hai foreign currency mein ya to Indian currency mein. Tenth hai banking development. Banking sector ko develop karna pure country ke andar, ye RBI ka kaam hai. Usme kya har ek bank ko grow karna, naye naye branches ko approval dena, clear? Par expansion karna. 11th function hai credit control. RBI also perform the role of a credit controller.
RBI performs this role using its qualitative and quantitative means. RBI is given many powers and authorities to control Indian money market. RBI maintain the economic stability in the country with the development. ठीक है, टोटल मनी सप्लाई इट मेड अप ऑफ लीगल मनी एंड बैंक मनी, सारा सप्लाई जो है मनी का सप्लाई कंट्री के अंदर वो आरबीआई के अंडर ही होता है. क्लियर. अदर्स, दूसरे फंक्शन क्या क्या है? द रिजर्व बैंक मेक्स रिसर्च इन ऑल फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी. रिजर्व बैंक रिसर्च भी करती रहती है इकोनॉमी के अलग अलग सेक्शन में. फाइन, इट पब्लिशेस स्कोप वाइज स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ स्टेट्स. हर एक स्टेट में कौन सा क्रॉप हुआ है उसका डेटा वो पब्लिश करती है. इट पब्लिशेस स्टैटिस्टिक्स इन इट्स बुलेटिन इन द फिगर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो आरबीआई ये भी कौन से स्टेट में किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है वो भी रिपोर्ट पब्लिश करती है, ताकि इंडस्ट्रीज उस रिलेटेड एरिया में इंडस्ट्री डेवलप कर सके बिजनेसमैन लोग, वो इन्फॉर्मेशन भी उनको आरबीआई प्रोवाइड करती है. फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्लियर, कितना फॉरेन ट्रेड हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल होती है. सो दिस इज द आरबीआई फंक्शन. फाइन, थैंक यू.